सर्दियों के ठंडे ठंडे मौसम में आपके मुंह के स्वाद और आपकी सेहत दोनों का ध्यान रखने वाली एक गर्मा गर्म रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सर्दियों के स्पेशल अनाज से बनाई गई है ये रेसिपी, जिसका स्वाद जितना ज्यादा है सेहत के फायदे उससे भी कई गुना है। कमजोरी, सुस्ती, थकान, जोड़ों का दर्द हो या हड्डियों में से कटकट की आवाज आती हो या आपको कैल्शियम की कमी हो तो गर्म तासीर वाली इस रेसिपी को खाकर आप ठंडे मौसम में भी तंदुरुस्त रहेंगे। अगर मीठे के तौर पर भी आप इसे बनाकर खाना चाहें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पे आज अगेन आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। बनाने के लिए ले रहे हैं एक कटोरी बाजरे का आटा और आधी कटोरी यहाँ पे हमने लिया है मक्के का आटा। एक बार दोनों को ही छान लेंगे, जिससे कि दोनों आटे आपस में अच्छे से मिक्स भी हो जाए, साथ में ही अगर कोई मोटा छिलका इनमें हो तो वो भी अलग हो जाए। वैसे तो आप इस हलवे को किसी एक आटे से भी बना सकते हैं, पर इनके मिश्रण से बनाया गया हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही अमेजिंग स्वाद के साथ आपका ये हलवा बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोनों ही आटे मिक्स करके छान लिए हैं मोटी वाली छन्नी से, और जो उसको ऊपर का छिलका है इसे हमने फेंक देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें छन्नी में ऊपर काफ़ी मोटा छिलका आ गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों ही आटे छनकर तैयार हैं। दूसरी तरफ हमने चढ़ाया है पैन, और पैन में हम डाल रहे हैं आधी कटोरी ही घी, यानी जिस कटोरी के नाप से आपको बाजरा लेना है उसका आधा कटोरी यहाँ पे हमने लिया है मक्के का आटा, और आधी कटोरी ही यहाँ पे हमने लिया है देसी घी। हलवा कोई भी हो, स्वाद उसका देसी घी में ही अच्छा आता है, तो यहाँ पे हमने देसी घी लिया है। घी की मात्रा आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने बहुत ही कम घी में हमारा आज का हलवा बना के तैयार किया है। इसमें भी ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इसमें एक से दो चम्मच घी और डाल सकते हैं, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं करना। आधी कटोरी घी हमने डालना ही है। घी को हमने मीडियम गर्म कर लिया था, गैस की फ्लेम को करके स्लो हमने ऐड कर दिया है हमारा आटा। बस स्लो फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती और साथ में इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने स्लो फ्लेम पर ही इसे भूनना है। करीब 10 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगे इसे भूनने में। घी को आटे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए आप देखेंगे कुछ ही देर में ये घी छोड़ने लगेगा, आटा हमारा घी से अलग होने लगेगा। जैसे ही आटा गर्म होगा घी से अलग होना स्टार्ट कर देगा। अभी इस लेवल पर चलाते हुए हमारा घी और आटा बिल्कुल आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और बस धीरे धीरे हमारा आटा भी घी से अलग होना स्टार्ट हो गया है। ये बस अभी आटा गर्म होने की वजह से घी के साथ मिक्स होकर मेल्ट हुआ है। अभी ये भूना नहीं है, अभी हमें इसे और भूनना है। करीब 5 मिनट हम इसे अभी और भूनेंगे, जिससे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें से अच्छी से खुशबू आने लगे। बिल्कुल भी कच्चापन हमारे हलवे में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ इसे भूनना है, जैसे कि हम सूजी का या आटे का हलवा बनाते हुए इसे भूनते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर चेंज इसमें हो गया है, और इसमें खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसे कि हमारे आटे के या बेसन के हलवे में आती है। बस ऐड कर देंगे यहाँ पे हम पानी। इस कटोरी के नाप से हमने एक कटोरी बाजरे का आटा और आधी कटोरी लिया था मक्का का आटा, यानी डेढ़ कटोरी आटा हमारे पास था। इसका डबल पानी यहाँ पर हम ऐड करेंगे, 3 कटोरी, और एक्स्ट्रा में हमने आधी कटोरी पानी और डाला था, जिससे कि जब हमारा आटा पके तो आटा हमारा ज़्यादा ड्राई नहीं लगना चाहिए। तो बस यहाँ पे चलाते हुए हमने 3.5 कटोरी वाटर ऐड कर लेना है, और बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए सारे लम्ब्स को हमने खोल लेना है। हमारे हलवे में कोई भी लम्ब्स नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी वज़न में हमने यहाँ पर बाजरे का आटा 100 ग्राम लिया था और मक्के का आटा लिया था हमने 50 ग्राम, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा मीठा। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा आटा और पानी आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मीठे में यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं गुड़, आप चाहें तो यहाँ पे चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बना रहे हैं विंटर स्पेशल रेसिपी, जो लोग चीनी खाना पसंद नहीं करते वो गुड़ यहाँ पर यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। गुड़ भी यहाँ पर हमने लिया है पूरा 100 ग्राम, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है गुड़ को। धीरे धीरे अपने आप ही ये गर्म होके मेल्ट होने लगेगा, करीब 2 मिनट लगेंगे, पर 2 मिनट में बिल्कुल अच्छे से हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा और हमारे हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गुड़ का टेस्ट हलवे में अच्छा ना लगता हो तो आप एक कटोरी चीनी यहाँ पे ले सकते हैं। जिस कटोरी के नाप से बाजरे का आटा लिया था उसी कटोरी के नाप से आप एक कटोरी यहाँ पर चीनी ऐड कर सकते हैं। गेहूँ के आटे का जो हम हलवा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसका आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है हलवा। और 2 मिनट में ही आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट होके हमारे हलवे में मिक्स हो चुका है। इसे थोड़ा सा और चलाएंगे, जिससे कि जो भी हमारे गुड़ की गुंजाइश है वो भी अच्छे से मेल्ट होके इसमें मिक्स हो जाए,
और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारे इस हलवे का आया है। तो फ्रेंड्स, सारा ही गुड़ अच्छे से मेल्ट होकर मिक्स हो चुका है। इसे और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे हमने चॉप करके डाले हैं काजू बादाम, वाटरमेलन सीड्स लिए हैं और पम्पकिन सीड्स लिए हैं। साथ में ही यहाँ पे हमने एक चम्मच लिया है तिल और चुटकी भर हमने डाला है इलायची पाउडर, ऑप्शनल इलायची पाउडर। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी अवेबिलिटी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। सभी को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और इसे जब तक कि इसमें से घी अलग ना हो जाए हमें अच्छे से पकाना है। तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा ये हलवा बनके तैयार है। बस इसे 2 मिनट और पकने देते हैं और 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि घी बिल्कुल अच्छे से अलग हो गया है, साइड्स में घी नज़र आ रहा है। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद और आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ही अमेजिंग लग रहा है। स्वाद और सेहत से भरपूर आपका बाजरे मक्की का आटा बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे किसी प्लेट में फैला लीजिए और इसे बर्फी की तरह काट के रख सकते हैं और आराम से आप इसे 15 दिन खा सकते हैं। बहुत ईजली ये सेट हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे कि हमारी आटे या बेसन की बर्फी होती है, बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। अब जैसे चाहें वैसे इन्हें सर्व कर सकते हैं। हम इन्हें सर्व कर रहे हैं हलवे की तरह ही, बारीक कटे हुए पिस्ता से इसे सर्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सर्दी में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए। रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।